भैया आज निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ है उतरते समय यात्रियों के साथ में, कैसे क्या हुआ कुछ बताइए। अभी ये जांच का विषय है जो प्रथम दृष्टया में प्रकाश में आया है जी। बेगमपुरा से ये जनरल कोच में थे जी, उसमें बैठने उतरने को लेके आपस में मारपीट हुई है जी, जिसमें एक आदमी को यहाँ पे ब्लड घोषित किया गया है, एक को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है जी, और एक को जो है चोट आई है उसका फर्स्ट एड चल रहा है जी। बाकी उनके परिवार जन आ गए तो बोगी में जो लोग यात्रा कर रहे थे उन्होंने उनको जीआरपी सुल्तानपुर और आपके सुल्तानपुर के सदन से उनको रुकवा लिया गया है जी। आगे जांच में स्पष्ट होगा जी। कितने बजे हादसा हुआ अभी? नौ पैंतालीस के करीब में हादसा हुआ जिसमें उन लोगों ने अज्ञात हमलावरों ने ये किया है। अज्ञात हमलावरों ने इनसे अज्ञात अभी प्रथम दृष्टा में अज्ञात है जी, जीआरपी ने उतारा है, उसके बाद वो स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दो लड़के कहाँ थे? ये लड़के घर पे दोनों आ रहे थे। जो दो आ रहे हैं तो क्या नाम था उनका? वो गाड़ी बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं अंबाला में, गाड़ी बनाते हैं, गाड़ी बना के आ जा रहे थे, गाड़ी बना के आ रहे थे। क्या नाम है उनका? एक अतालिब और एक तौहीद। दो इनके साथ और भी लड़के कुछ काम करते थे? नहीं, इनके साथ कोई नहीं गए। जब वहाँ से चले तो बताए थे घर पर? हाँ। कब चले? उनका ये था अबू हम यहाँ गाड़ी उतर रहे हैं, आगे ले लेना। कब चले थे? कल चले थे। कल चले लखनऊ उतरे, लखनऊ दूसरी गाड़ी पकड़े हुए, लखनऊ 5 बजे उतरे। लखनऊ में 5 बजे कल उतरे? हाँ, सुबह। हाँ, सुबह। आज सुबह 5 बजे उतरे होंगे, वहाँ से दूसरी गाड़ी पकड़े, दूसरी गाड़ी पकड़े, उससे यहाँ आए, उससे यहाँ आए, उसी में लड़ाई हो गई गाड़ी में, गाड़ी में जनरल डिब्बे में। तो ये उसके बाद उन्होंने कहा कि हम दहशत लगाइए, कोई आगे मुझे निहालगढ़ से ले चलो, कोई आगे मुझे निहालगढ़ से ले चलो, मुझे घेर रखा है मारने के लिए। अच्छा, ये बताया फोन पर? हाँ। उसके बाद मैंने दोनों बच्चों को भेजा, मैंने कहा चल ले गया, यहाँ आए डिब्बा खुलते ही मारना शुरू कर दिया, उसको मार दिया, इसका सर फट गया, दूसरे वाले चाकू मार दिया, उसको भी चाकू मार दिया। अच्छा, वो लोग बताए कि हाँ जो है हमको कुछ लोगों ने घेर रखा, ट्रेन में झगड़ा हुआ है। ये सर कैसे क्या हुआ तो कुछ बताएंगे सर आप? स्टेशन पे कोई था? मैं स्टेशन पे था, जैसे ही कह के गाड़ी गई, एक औरत ने मुझे बताया कि वहाँ पर झगड़ा हो गया है जी। तुरंत मैं जैसे ही झगड़ा हुआ तुरंत पहुंचा वहाँ पर, एक दो आदमी उनसे रथ पर पड़े हुए थे, उसके बाद एक आदमी जो छोटे था तुरंत ये, इसके बाद जैसे ही क्या है मैंने स्टेशन मंगा के तुरंत दोनों को सीएससी जी। एक पड़ा हुआ था, दोनों पड़े थे जनरल डिब्बे में, जनरल डिब्बे में। हाँ, जनरल डिब्बे के नीचे। हाँ, ऑफ साइड। और जो हमलावर थे वो उसी ट्रेन में बैठ कर भाग गए, उसी में चले गए। उसी रेलवे स्टेशन पे आपके भाई को चाकू मार के मृत कर दिया गया, आपको भी चोट लगी है। रेलवे स्टेशन निहालगढ़ को क्या घटना हुई? मेरा भाई जो कि अम्बाला से आ रहा था और उसकी ट्रेन अम्बाला से लखनऊ तक की थी, और लखनऊ से दूसरी ट्रेन पकड़ के निहालगढ़ रेलवे स्टेशन आना था। फिर उसने जब ट्रेन में बैठ गया तकरीबन हैदरगढ़ के आसपास आया तो मेरे पास फ़ोन किया, बोला भैया आप मुझे लेने आ जाओ और जो है मुझसे झगड़ा हो गया है। तो हालांकि उनने ये भी कहा बताइए कि ऐसा थोड़ा विवाद होगा, आप लेने आ जाओ, वो ठीक रहेगा। तो मैंने उससे कहा था एक काम कर, बैठी हमेशा आता जाता बैठी, इससे आदमी चला, बोला नहीं भैया मुझे ठीक नहीं लगता, आप आ जाओ। तो मैं और मेरा छोटा भाई तालिब लेने आए, और जो ट्रेन से अम्बाले से आ रहा था उसका नाम था तौहीद। जब स्टेशन पर लेने आए पिछली बोगी में जनरल डिब्बे में, फिर जो है मैं अंदर, जब ट्रेन से दो तीन लोग निकले और दो तीन लोग ट्रेन के अंदर गए तो मैं भी घुसा, तो मैंने देखा मेरा भाई के दो चाकू लगे थे। अच्छा, जब आप बोगी में गए तो बेहोश अवस्था में पड़े थे? बेहोश नहीं था, ठीक ठाक था, लेकिन जब उन्होंने देखा मेरे गले लगा हुआ तो मेरे पीठ पर हाथ लगाया उसके, तो उसके चाकू ऑलरेडी लग चुके थे दो। जब मैंने गुस्से में पीछे घूमा किसने मारा है, इतने मेरे सर पर डंडा लगा स्टील का, वो रोड उस तरह से है जैसे कि उसे दिखाते ना फ्लिपकार्ट अमेजोन में छोटा बड़ा करने वाला रोड, उस तरह का रोड हुआ। अच्छा, क्या लगा, कितने लोग थे मारने वाले? वो चार तो मेरे ऊपर थे, तीन उन दोनों बस से, ये तो मुझे क्लियर है कितने लोग थे। हाँ, सात तो हो गए, बाकी कई सारे लोग समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि ये सारा काम एक मिनट में ही होगा था। कहाँ घर पड़ता है आपको भैया? मेरा घर है रानीगंज पोस्ट, गांव पूरे मड़किया। अभी तक जो प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद अमेठी के थाना निहालगढ़ क्षेत्र निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पे बेगमपुरा एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी थी जो जम्मू तवी से बनारस जा रही थी, उसके यात्रियों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई, उसके बाद उन्होंने उतर करके यहाँ पर उनके बीच में
लड़ाई झगड़ा हुआ जिसमें से एक व्यक्ति की चोट लगने का मृत्यु हो गई है। इस झगड़े में जितने भी अन्य लोग थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच पड़ताल कर साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सर? अभी चार लोगों को हिरासत में, चार लोग हिरासत में लिया गया। उन लोगों को कुछ चोटें हैं क्या सर जो लोग पकड़े गए? अभी सबका मेडिकल कराया जा रहा है और जो भी साक्ष्यों के आधार पर जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी ये कन्फर्म नहीं हुआ कि झगड़ा ट्रेन के अंदर हुआ है या बाहर हुआ है सर? जैसा कि हमने बताया हमारी विवेचना चल रही है और जैसी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर साक्ष्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।